नमस्कार, मैं सतीन शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं कार सेवकपुर में। आप यहाँ पे जमावड़ा देख सकते हैं, किस तरह से सीतामढ़ी से चलकर लोग आए हैं और भगवान श्री राम के लिए जो पाहुन कहे जाते हैं सीतामढ़ी के, 4 ट्रकों में भर करके सामान आया है। और खुद बिहार के जो केंद्र सरकार में मौजूदा मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी, वो खुद लेकर के यहाँ पे आए हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने चंपत राय से मुलाकात की है और जो कलश में सामान लेकर के आए हैं वो भी भेंट किए हैं। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उन लोग कहाँ से चल करके आप लोग आए हैं। हम माँ जानकी जगदम्बा सीता माता जो है उनका नहिरा से मिथिला के पावन भूमि दरभंगा है, दरभंगा से मैं चल के आया हूँ माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में। 51 गाड़ी के कैफला है, उसमें जो रथ सजी हुई है उस रथ में 501 भार लेके रोटी और बेटी का संबंध मिथिला और अयोध्या का है, उस संबंध को बरकरार रखते हुए हम लोग उनका जो अभी गिरी प्रवेश होगा उस उत्सव में, मैथिल में एक कहावत है, बेटी को शादी में भी और शादी के बाद भी बेटी का जो होता है मिथिला के रीति रिवाज, उस परंपरा अनुसार हम लोग सारे भार के साथ होम गिरी प्रवेश का जो भी सामान होता है, चारों भाई का लत्ता कपड़ा भगवान प्रभु श्री राम के साथ और जो 3 भाई हैं उन सब का, उनके पूरे परिवार का लत्ता कपड़ा आभूषण माँ जानकी के लिए, साड़ी साया ब्लाउज उनका श्रृंगार पटार का सामान आभूषण के साथ साथ, और अभी फिलहाल में आज तिला संक्रांत है तो मिथिला में तिला संक्रांत का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसमें हम लोग तिलवा चूरलाय मुरलाय ये सब लाय मुढ़ी का भी जो भी सामान बनती है वो सारा सामान के साथ काफ़ी धूमधाम से आए हैं। अपना माँ सीता और भगवान श्री प्रभु राम का ये घरवास उत्सव मनाने के लिए मिथिला से आए हैं, दरभंगा और लोग हैं उनसे बात करते हैं। नाम है ये जो इस तरह से राम भक्ति में सारे लोग इस समय लीन है, आप लोग सीतामढ़ी से चल करके आए हैं, क्या क्या सामान इसमें है और ये जो समूह उमड़ा हुआ है सारे लोग बिहार के हैं कि कहीं और के भी है? हम लोग सारे लोग जो है बिहार के हैं और यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग हम लोग का स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है। और हम लोग श्री राम के लिए वहाँ का जो पसंदीदा है उनका ससुराल है, वहाँ से मखाना और कई प्रकार के पकवान लेकर के आए हैं, बिहार से, कहलगांव से, सुल्तानगंज से, और ये सीढ़ी घाट गंगा भागलपुर से लेकर के हम लोग जो है कि गंगा जल और मिट्टी लाए हैं। और 16 तारीख से उनका स्वागत में अभिषेक होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा और 22 तारीख से पूजा प्रारंभ होगा। बता दें कि सीतामढ़ी से चल करके लोग आए हैं और कई सारे सामान ट्रकों में भर के लाए हैं, आगे हम आपको ट्रक के पास भी ले चल रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे, आप बताइए आप इतना दूर से चल के आए हैं, भगवान राम का 550 साल बाद मंदिर बन रहा है तो क्या उत्साह है? बहुत उत्साह है, देश के बच्चा बच्चा में उत्साह है। अब एक सवाल राजनीति पे भी थोड़ा पूछ लेते हैं, बिहार से चल के आए हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रताप यादव जी, हाँ, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से, अस्पताल बनवाइए, राम मंदिर बनने से क्या फायदा, तेजस्वी के लिए क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी जो है ना कहावत है ना कि वो तो मैट्रिक फेल है और वो धर्म का, वो अपनी राजनीतिक बनाने के लिए मुस्लिम वोटर को मनाने के लिए वो ये सब बात बकते हैं, उजुल फुजुल बात बकते हैं, उसे कोई बिहार में असर पड़ने वाली नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं, मंदिर बनाने से नौकरी नहीं मिलेगा। कहाँ नौकरी दे रहे हैं, नौकरी क्या दे रहे हैं, वो तो जो है एक जुमला समझा रहे हैं लोगों को, उल्लू बना रहे हैं, जिन्होंने आज तक वो पूरे बिहार को लूटने का काम किया है, लालू जी ने लूटने का काम किया, तेजस्वी यादव ने लूटने का काम किया, तेज प्रताप जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकते वो बिहार को क्या संभालेंगे? तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव, सब बिहार समेत पूरे 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे, अगले बार आरजेडी को 1 भी सीट हम लोगों ने नहीं लेने दिए थे उस समय नीतीश कुमार रहे चाहे नहीं रहे, उनके लिए दरवाजा बंद हो चुकी है, मगर 40 की 40 सीट बिहार में उठाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपको दिखाते हैं चारों ट्रक भी और सामान भी दिखाते हैं कि जिस तरह से बिहार से लोग आए हैं और यहाँ पे पूरा सामान लेकर के
ट्रक का ट्रक भरा हुआ है, 4 ट्रक से सामान उतर के हम इस समय मौजूद हैं कार सेवकपुर में। ये वही कार सेवकपुर है जहां कार सेवकों ने लड़ा था, उसी के याद में ये कार सेवकपुर पूरा बसाया गया है। और यहां पर टेंट भी लगाए गए हैं, जो भी लोग आ रहे हैं साधु संत हो या तमाम लोगों, यहां पर रुकने की व्यवस्था भी की गई है। और यहां पर देख रहे हैं कि जितने सामान आ रहे हैं राम मंदिर के लिए वो इसी कार सेवकपुर में रखे जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी भी बिहार से चल के आया है, देखिए किस तरह से लिखा है पुनौरा धाम सीतामढ़ी से चल के आया है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो 21 कुंतल का घंटा आया था, यहाँ पे 21 कुंतल का घंटा भी रखा हुआ है, यहाँ पे उसे भी रख दिया गया है। साथ में आपको दिखाते हैं कि अंदर यहाँ पे घी, कई सारे बर्तन में घी को इकट्ठा किया गया है, यहाँ पे रखा गया है। भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो इन्हीं घी से पूजा पाठ होगा, दीपक भी जलेंगे, तमाम जगह से कई सारे सामान आए हैं। अब उस 4 ट्रक के तरफ भी ले जाते हैं जहाँ से सामान लगातार उतर रहे हैं, सुबह से लगातार वहाँ पे सामान उतर रहे हैं, सिलसिला जारी है। जेवर हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, कपड़ा लत्ता हो, चाहे आपका फल मूल हो, कई सारे सामान चल करके यहाँ पे आए हैं राम जी को प्रसाद खिलाने के लिए। और दुल्हन राम नदी जग नंदनी आई है, साक्षात आई है भैया, राम नदी साक्षात आई हमको बताइए। भोर में 3 बजे पूरे ब्रह्मांड लेकर के आई, ब्रह्मांड निकाय आई है, दुनिया देखने तमाशा आ रहा है। इलाका है मिथिला नगरिया निहार सखियो, चारों दुल्हन में दुल्हन बड़ी होशियार आ गई हैं, दुल्हा कमाल के आ गए हैं। ओ मिथिला नगरी या के हाल नहीं सुने, सुनने रख बेहाल सब देख करके। राधा ढूंढ रही और मिथिलानी राम जी को ढूंढ रही है, किसी ने उसका राम देखा है। मिथिलानी आके काल सेवकपुर मामा में ढूंढ रही है, किसी ने उसका राम देखा, बहुत हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रक आया, इसमें पूरा लिखा गया है कि जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि पुराना धाम सीतामढ़ी बिहार। यहीं से 4 ट्रकों में सामान भर के लाया गया है, संदेश भार समर्पण यात्रा है। देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रकों से सामान लगातार उतर रहे हैं, कई सारे सामान उतर चुके हैं, सामान उतरने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 ट्रक में भर के सामान आए हुए हैं, लाइन से ट्रक यहाँ पे लगी हुई है। ये दूसरा ट्रक था, ये तीसरा ट्रक देख रहे हैं, यहाँ पे भी सामान उतर रहा है। और आगे जो है लास्ट ट्रक है, 4th ट्रक, वहाँ पे भी हर तरफ, उसमें आपको बता दें कि उसमें दाल चावल ये सारे चीज़ है, गेहूं है, कई सारे खाने पीने से लेकर के तमाम सामान जो घर गृहस्थी में उपयोग किए जाते हैं वो पूरा सीतामढ़ी से राम जी के लिए आया गया है। क्योंकि अयोध्या ससुराल है, सीतामढ़ी सीता जी का घर है, तो बेटी और रोटी का जो एक रिश्ता होता है उसे पूरी तरह से निभाया गया है। हम दिखाते हैं आपको कि अंदर किस तरह से सामान को रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सीतामढ़ी से 4 ट्रक में सामान भर करके आए, यहाँ पे उतारे जा रहे हैं। और ये मखाना का बड़ा सा माला बनाया गया है भगवान रामलला के लिए, ये उन्हीं के लिए, ये किसको चढ़ेगा, ये राम जी के लिए है, राम उनके ससुराल से आया है। जी जी, ससुराल से आया है। और भी सामान आपको दिखाते हैं कि किस तरह पीछे पान, ये पान है, मखान है। पूजा पाठ में भी पान का एक बड़ा महत्व माना जाता है। पूरा सामान चल के आया, गृहस्थी जीवन से लेकर के तमाम जो राजभोग विलास का चीजें होती हैं, तमाम सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान यहाँ पे रखे जा रहे हैं, अभी भी ट्रकों से सामान उतर रहे हैं, फल भी दिख रहे हैं, तमाम सारे कपड़े भी हैं, जेवर भी हैं, कई सारे चीज हैं। खिचड़ी का समय है तो लाई बतासा सब देखने को मिल रहा है, खिचड़ी भी पास आ गया है, तो बेटी के जो मायके हैं वहाँ से खिचड़ी चढ़ने के लिए भी आता है। तो कई सारे सामान यहाँ पे रामलला के लिए भर भर के आए हैं, फल से लेकर के तमाम, ऐसे ही तमाम अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम खबर हम पल पल के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।